वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्पीयर में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? स्पीयर में अच्छा ही आ रहा है, अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, मगर जो न्यू बच्चे आ रहे हैं ना, वो उनका कुछ अच्छा नहीं है इतना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पहले ये इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स करते थे, कुछ बच्चे होते थे जो फाइनेंशियली वीक होते थे, सही, तो वो भी अफोर्ड कर लेते थे, पर इस बार इन्होंने ऐसा किया कि दो इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी दे दी है, तो वो काफी बच्चों को मसला आ रहा है। जो पहले थोड़े से होते थे फाइनेंशियली वीक होते थे, तो मैं कभी पूछा मैं लेला नहीं बने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सही सही, तो उनका जो होता था ना अफोर्ड कर लेते थे, तो अब थोड़ा सा मसला आ रहा है फाइनेंस का, बाकी तो माशाल्लाह अच्छी है। और कोई ऐसी चीज जो आपको स्पीयर में अच्छी लगती है, और कोई ऐसी चीज जो आपको स्पीयर में बहुत ज्यादा बुरी लगती है? स्पीयर की टाइमिंग बहुत बुरी है। ओके, और बाकी लड़कियां भी इतनी अच्छी नहीं है यार, थोड़ा माल है यार, हर बार बहुत गंदा माल आता है, लेकिन इस बार कुछ अच्छा है। रुको जरा, सबर करो। अच्छा चले, उस चीज को साइड पे रखते हैं। आप कोई ऐसी चीज शेयर करना चाहेंगे जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे, या कुछ ऐसा जो कि आपके अंदर हिडन टैलेंट है जो दुनिया नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन आप जो है वो बताना चाहेंगे? सॉन्ग गाते हैं बहुत अच्छा। हिडन टैलेंट तो हिडन ही रखना चाहिए, फिर भी कुछ ऐसा जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपको देख रही है पब्लिक उनके साथ, जो ऐसा है कुछ है जो शेयर करना चाहते हैं? यही कि बस अपने आप में अपने सॉन्ग आता है भाई, सॉन्ग सुनाएंगे मेरे जान वाले आ, छड़ के ना जामी कितने वादे सारे तो तोड़ निभावी, गला इश्क दी सचियां संग रातां कटियां, ओ पुल न जावी मैनू छड न जावी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? कहां से हैं आप? मैं उकाड़ा से। सही, गुड हो गया। कब से हैं स्पीयर? मैं स्पीयर से 3 साल से। अच्छा, तो इसका मतलब है आप काफी एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर चुके हैं यहाँ पे रहने के बाद? यस अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तो कुछ ऐसा बता दें जो आप स्पीयर के बारे में जानते हैं और वो बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसा बता दें जो कि आपको लगता है कि अच्छा नहीं है। स्पीयर के अंदर काफी ज्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक व्हाट? स्नेक लाइक फ्रेंड। अच्छा, ये पबजी के स्नेक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो घास के अंदर छुपे होते हैं, या स्नेक्स इन द ग्रास जो दोस्तों के रूप में होते हैं? ये वो सांप हैं जो आस्तीनों में होते हैं। अच्छा, मतलब आपका काफी बुरा एक्सपीरियंस हुआ रह चुका है। Yes. सही, तो आप कुछ ऐसा बता दें जो अच्छा लगता है, ये तो चलें बुराई तो हो। अच्छा, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। चलें सही है, गुड, थैंक यू सो मच। कोई ऐसी चीज जो आप दुनिया को बताना चाहते हो या दुनिया को दिखाना चाहते हो, जो आप अभी तक आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, तो वो काइंडली कोई सॉन्ग या कुछ? बस सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने अभी इलेक्शन करीब है, वोट इमरान खान को डाल। अच्छा, तो आप इमरान खान को सपोर्ट? यस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली उकाड़ा से। अच्छा, तो आप उकाड़ा से क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, कुछ ऐसा बताएं जो आपको स्पीयर के बारे में बहुत अच्छा लगता हो, और कुछ ऐसा जो स्पीयर के बारे में आपको बहुत बुरा लगता है? अच्छा, तो इनका मुझे इन्वायरमेंट लगता है। ओके, इन्वायरमेंट इन व्हाट सेंस? इतना क्लीन है बस। सही, और कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अनोइंग, बहुत ज्यादा बुरी लगती है? वो इनकी बुरी लगती है कि ये हर चीज में बस अपना ना, वो कहते हैं ना कि मुनाफा निकालना हर चीज में अपनी इंट्रीब्यूट करते। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल आप देना चाहें? फॉर एग्जांपल, अभी आ रही है हमारे सामने एग्जांपल स्पोर्ट वीक, जी जी, कल्चर फेस्टिवल, इस चीज का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, बस इनके अपने। आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का इंसान की जिंदगी में करिकुलर एक्टिविटीज का कोई फायदा नहीं? बेनिफिट उतना हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना इन्हें फायदा हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये दे आर लाइक पैरासाइट्स, मतलब कि जितना हमें इतना फायदा नहीं है जितना हमें जो है वो नुकसान हो रहा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पे कर सकते, लेकिन इनकम पर से कोई आना चाह रहा है नहीं आना चाह रहा वो पे करेगा। सही सही। अच्छा, इसके अलावा और कोई हिडन टैलेंट जो आपके अंदर मौजूद है और आप दुनिया के सामने बताना चाहते हो, और जो अभी तक आपने ना दिखाया, कोई सॉन्ग या कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? बेसिकली ऐसी तो कोई नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि स्टडी के साथ साथ आपको कोई अपना साइड बिजनेस, या जैसे आप कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे होस्टिंग वगैरह, इस तरह कोई ना कोई आपको साइड पे जरूर करनी चाहिए। सही, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल, जो बिजनेस होता है वो आपकी नस्लें खाती हैं, ठीक है। जॉब जो होती है वो आप सिर्फ खुद ही खा रहे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ खा रहे होते हैं। चलें आप नेक्स्ट के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहाँ से हैं आप? लाहौर से। लाहौर से हैं, अच्छा। तो आपको स्पीयर में यहाँ पे कौन सा सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम? मैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में हूँ, MLS। ओके गुड, तो कैसा रहा स्पीयर के अंदर 3 सेमेस्टर्स का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा है।
अच्छा, तो कोई ऐसी चीज बताना चाहेंगे जो कि आपको बहुत अच्छी लगती हो, या कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो बुरा या इरिटेटिंग या अनोइंग लगता हो? इरिटेटिंग ये लगता है कि बच्चों को फोर्स करते हैं पेमेंट पे, क्योंकि फीस वगैरह जो अलग है वो तो है ही है। सही। तो उसके अलावा भी ना मतलब इमोशनली ब्लैकमेल, अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्विज के इतने मार्क्स हैं, ये चीजें सारी बड़ी अजीब लगती हैं, इरिटेटिंग भी है ना। इसके अलावा कुछ जो आप बताना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई सिस्टम में या कुछ और? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सही। और कुछ ऐसा जो बहुत आपको अच्छा लगता हो, अपीलिंग लगता हो? स्टडी अच्छी है, माहौल भी अच्छा, ठीक है, एंजॉयिंग। सही सही। कुछ ऐसा जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई हिडन टैलेंट या कुछ ऐसा, कोई सॉन्ग सुनाना चाहें या कुछ? नहीं नहीं, सॉन्ग तो नहीं, कुछ भी नहीं। कोई रेसिपी वगैरह? अच्छा, जॉन हिलिया मुझे पसंद है, मैं उनका शेयर सुना सकती हूं? जी जी जरूर सुना दो। व्हाई नॉट। अच्छा, हमने जाना तो ये जाना, हमने जाना तो ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाओ, बिल्कुल, जो चीज हम हासिल कर लेते हैं वो वाकई हमें उसकी कोई कदर नहीं रहती, और हम ऐसी चीजों को मजीद तलाश करने लगते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और इंसान की ख्वाहिशात जो है वो लामतनाही है, वो कभी खत्म नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, इट मींस अ लॉट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कहां से हैं? मैं लिया से हूं। अच्छा, माशाल्लाह, लिया से हैं। क्या सब्जेक्ट्स, क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या कौन सी फील्ड? मैं स्किन केयर के बारे में, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी। नाइस, मतलब आपको स्किन के बारे में पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है। क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आप जो है स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी? जी जी, हमारे इलाका ऐसा है कि थल का इलाका है, और वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये एक न्यू फील्ड थी पाकिस्तान में, और ये आगे चलने वाली फील्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल फील्ड है, तो इसमें मैंने एडमिशन लिया और आगे करने के लिए। इसका मतलब है कि आप जो है वो ये चाहते हैं कि आपका जो एरिया है उसमें जो फैसिलिटीज़ नहीं है उनको आप प्रमोट करें, और जो है वो आप बाकी लोगों तक जो कि उससे अवेयर नहीं है उन तक फैलाएं। अच्छा, तो आपको स्पीड में पढ़ते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे स्पीड में 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो 1.5 साल के अर्सा मतलब काफ़ी होता है एक इदारे को, एक वहाँ के लोगों को जानने के लिए। तो आप कुछ ऐसा बताएं जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ऐसा बताएं जो आपको बहुत बुरा लगता है। नहीं, अच्छा ही है, बुरा काम ही है। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेटिव है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक निज़ाम बहुत बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, और जैसा कि दूसरे कॉलेज में होती हैं गुंडागर्दी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेट करती है हमारे हर मसले पर, जो भी हमारे साथ कोई अटेंडेंस का मसला हो, हमारे ग्रेड्स का इशू हो, हमारे किसी कुलीग का इशू हो, कोई भी एनी थिंग यूनिवर्सिटी में। चले, वो तो ठीक है, आपकी बात मानने वाली है, लेकिन देखिए जो भी कोई भी चीज़ होती है ना, उसका कोई पॉजिटिव या उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर होता है। तो आप कुछ ऐसा जो आपको चाहे वो अनोइंग हो लगता हो, कुछ भी ऐसा जो आप जो चाहते हो कि उसमें तब्दीली की जाए, थोड़ा अच्छा उसको बनाया जा सके? जी, यही है कि यूनिवर्सिटी एक शॉर्ट एरिया में है, मतलब कि इसका जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है, उसको बेहतर होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी शॉर्ट एरिया कुछ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, ताकि बच्चों के लिए जैसा कि तादाद हमारी यूनिवर्सिटी में उठने बैठने की जगह बहुत बेहतरीन होनी चाहिए थी। सही सही। अच्छा, कुछ ऐसा जो आपके अंदर हिडन टैलेंट हो और आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, जो कि अभी तक आप समझते हैं कि मैंने मेरे जानने वाले या आपको देखने वाले जो हैं वो अभी तक नहीं जानते, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें? जी जी, मेरी यही प्रायोरिटी है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, अब बड़ा हो के मतलब डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंशाल्लाह अपना क्लिनिक बनाएंगे, और लोगों में अवेयरनेस देनी है इस स्किन के बारे में, और लोगों की खिदमत करनी है, हमारा यही मेड्यूल है, हमारा यही मकसद है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल, हम जिस भी डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड है, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड है, चाहे कोई और कॉमर्स या कोई भी डिपार्टमेंट है, हमें अपने मुल्क को कौम के लिए और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए और बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, तभी एक इंसान जो है वो एक अच्छा शहरी कहलाता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ये कॉस्मेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से सर्व करेंगे अपने इलाके में जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। This is all about today's interview. Thank you so much. मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूँ अमार सिंह बुखारी। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.